के जयप्रकाश गुप्ता भी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सुरेंद्र जी, क्योंकि आप कल ये पीयूष गोयल वाली जो मीटिंग थी मंत्री जी की, उसमें भी आप शामिल थे और काफी सारे जो क्लैरिटी बाजार इंतजार कर रहा था वो फाइनली हमने यहां पर आते हुए देखी है, चाहे वो और कैरेटेज का इंक्लूजन है या फिर किस तरह से इसको फेज्ड मैनर में अब यहां पर किया जाएगा, या फिर इसलिए भी कि आप कोई क्रिमिनल जो काम हो सकता था वो अगस्त तक यहां पर नहीं होगा, जो मेन चार पांच चीजें हैं वो आप क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे फैसले हुए हैं। और जो इंडस्ट्री की मीटिंग मंत्रालय के साथ हुई थी, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर के साथ, उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। और सरकार ने फिलहाल जो हॉलमार्किंग है वो सिर्फ 19 जगह पर लागू किया है, उन्हीं 256 डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा हॉलमार्किंग, जहां पर ज्यादा हॉलमार्किंग सेंटर है। जिन जगहों पर हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है वहां पर फिलहाल ये लागू नहीं होगा, और इसको धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा जैसे जैसे वहां पे हॉलमार्किंग सेंटर खुलते जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी चीज थी, क्योंकि हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। साथ ही जो रजिस्ट्रेशन की फीस थी, जो 7,500 रुपए से लगा के 90,000 लाख रुपए तक हो जाती थी 5 साल के लिए, वो पूरी तरह से हमें आश्वासन दिया गया है कि उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। और जो 40 लाख के नीचे ज्वेलर्स जिनका टर्नओवर होता है उनको भी इस दायरे से बाहर कर दिया गया है। मेरे ख्याल से उपभोक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज से सभी ज्वेलर्स के पास आपको सिर्फ हॉलमार्किंग ज्वेलरी ही मिलेगी, जो इन 256 जिलों के दायरे के अंदर जितने भी ज्वेलर्स आते हैं। बहुत सारे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, वो भी सरकार ने सॉल्व किए हैं। जैसे कि एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था HUID का, तो फिलहाल HUID में जितने भी जो भी ग्लिचेस थे, जो भी हमारे कंसर्न थे, तो सरकार ने उसको एक स्टेज पर सिर्फ हॉलमार्किंग सेंटर तक सीमित कर दिया है। साथ ही जो कुंदन ज्वेलरी होती है, पोलकी और जड़ाव ज्वेलरी होती है, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जो पुरानी ज्वेलरी जो को एक कंसर्न था कि ज्वेलर खरीद सकते हैं कि नहीं, वो ज्वेलरी को भी अब ज्वेलर खरीद सकते हैं, हालांकि उनके बेचने के पहले उनको जरूर उसे हॉलमार्किंग कराना पड़ेगा। जो एग्जीबिशंस है, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस है, डोमेस्टिक एग्जीबिशंस है, या जो अप्रूवल के लिए हम ज्वेलरी लेकर जाते हैं, उन्हें भी हॉलमार्किंग कराने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से सरकार ने लगभग हमारी सारी मांगे मान ली है, और जो एक दो मांगे ऐसी थी जिनमें जो टेक्निकल मैटर्स थे या लॉ पॉइंट थे, तो उसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है, और वो कमेटी इस पे चर्चा करेगी और बहुत जल्द उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। एब्सोल्युटली, काफी सारी क्लैरिटी यहां पर आई है और बहुत डिटेल में हमने PIB की तरफ से यहां पर नोटिफिकेशन भी आता हुआ देखा। उदय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ हम ये मान के चलते हैं कि 4 लाख ज्वेलर्स भारत में हैं, और जिस तरह से अब 40 लाख से कम अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ना रजिस्टर कराने की जरूरत है, ना आप हॉलमार्किंग से भी एग्जेम्प्टेड हैं, आप इस नंबर को फिर कैसे आगे बनता हुआ देखेंगे? मैडम, यदि 40 लाख के नीचे के ज्वेलर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा तो भी बहुत बड़ी संख्या में ज्वेलर्स है जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, और ये होने के बाद हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 2.5 लाख के आसपास ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मैम, जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से, उनके हिसाब से हमें 2.5 लाख ज्वेलर्स मिलने की संभावना है। जी मैम। उदय जी, किस तरह से आप यहां पर बाजार में क्लैरिटी आता हुआ देखते हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो कैरेटेजेस हैं, पहले सिर्फ 14, 18 और 20 था, 22 था, अब यहां पर 20, 23, 24 कैरेट भी यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है। पहले सिर्फ 3 के लिए यहां पर हॉलमार्किंग सेंटर जाना पड़ता था, अब सारी की सारी ज्वेलरी यहां पर हॉलमार्क हो पाएगी। क्या अभी भी आप कहेंगे कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपेसिटी है यहां पर हॉलमार्किंग की, ये सारा काम हो पाएगा, और कितना नंबर, कितना पीसेज आप यहां पर एनुअल होता हुआ देखेंगे? मैडम जी, जैसा कि अभी तक 3 कैरेट में हो रहा था, और बचे हुए 3 कैरेट के बारे में कुछ साल पहले सर्वे भी किया गया था, इन 3 कैरेट के मुकाबले वो मात्र 2% थे। अभी यदि वो बढ़ा भी तो हम लोग उसको एश्यूम भी करके चलेंगे कुछ बढ़ेगा तो भी, ये जो 3 कैरेट नए आ रहे हैं इससे मुश्किल से 5% ज्वेलरी और अधिक हॉलमार्क होगी। अभी मैंडेटरी के रेजिम में अभी होने से पहले हम लोग 4.5 करोड़ पीस हर साल लगभग हॉलमार्क कर पा रहे थे, ये मैंडेटरी होने के बाद 10 करोड़ तक जाने की संभावना है, और हमारे पास जो अभी फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है इसकी क्षमता कम से कम 15 करोड़ पीस पर ईयर करने की
है। ओके जी मैम जी। सुरेन जी एक चीज और बताइए, अभी भी 66% जिले ऐसे हैं जहां पर हॉलमार्किंग सेंटर्स नहीं है। समय हालांकि मिल गया है अगस्त तक का, लेकिन आपको लगता है एनफ रहेगा और जो हॉलमार्किंग सेंटर्स की कमी है जिन जिलों में, वो भी सिचुएशन से डील कर पाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है दीपाली जी, जो समय मिला है 31 अगस्त तक का जो समय मिला है वो पुरानी ज्वेलरी को हॉलमार्क करने के लिए दिया गया है और कोई भी कोरेसिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, सरकार की तरफ से कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन जो इसका मतलब ये नहीं है कि 31 अगस्त के बाद में पूरे हिंदुस्तान में हॉलमार्किंग मैंडेटरी लागू हो जाएगी, फिलहाल ये 256 जिलों में ही लागू रहेगी। जब तक दूसरे जगह पर हॉलमार्किंग सेंटर नहीं आते हैं, ज्यादा हॉलमार्किंग सेंटर की संख्या नहीं बढ़ती है, चाहे वो 31 अगस्त के बियॉन्ड भी हो, तो वहां पर फिलहाल हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं होगी। 31 अगस्त तक का जो समय है वो पुरानी ज्वेलरी जो इन 256 जिलों में जो ज्वेलर्स हैं उनको हॉलमार्क कराने के लिए दिया गया है, और यदि वो कोई गलती भी करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी और कोरेसिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसके लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। सुरेंद्र जी, ओवरऑल फुल फ्लेजेड हॉलमार्किंग हम कब तक होता हुआ देखेंगे? क्लियरली जिस तरह से जो नोटिफिकेशन आया है वो काफी फेज्ड मैनर में हम इसे आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, कब तक आपको लगता है? 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर्स, जब तक फुल फ्लेजेड विदाउट एनी एग्जेम्पशन हम यहाँ पर हॉलमार्किंग बनता हुआ देखें? देखिए, मैं मेरा अभी भी मानना है कि इसमें इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो जितना जल्दी सेंटर्स अपने हर जिलों में लगा देते हैं, भारत में लगभग ऐसा कहा जाता है कि 733 जिले हैं जिसमें से सिर्फ 256 जिलों में ही हॉलमार्किंग सेंटर उपलब्ध है, तो सरकार ने बहुत अच्छी तरह से उसको समझा है और वही इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हॉलमार्किंग सेंटर ये धीरे धीरे जरूर जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा तो हॉलमार्किंग सेंटर बनते जाएंगे और ये शुरू होगा। आप जहां तक ये पूछना चाहती है कि इसे कितना समय लगेगा, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में इसको यदि 100% लागू करना है तो मेरे हिसाब से अभी भी इसमें करीबन 1.5 से 2 साल का वक्त लग सकता है। उदय जी, आप जब जहां तक हॉलमार्किंग की बात है और जैसे सुरेंद्र मेहता जी ने भी कहा कि काफी हद तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर पर काफी दामोदर है यहाँ पर, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना आपको ब्रेक इवन के लिए चाहिए? जिस तरह के आपने नंबर्स हमें बताए उसके हिसाब से तो काम काफी यहाँ पर बढ़ने वाला है, तो आगे ये कामकाज कैसे चलेगा? मैडम जी, जैसा देखिए, जहाँ पर अभी फिलहाल जो हॉलमार्किंग सेंटर है, हॉलमार्किंग सेंटर वही खुलते हैं जहाँ बिजनेस होता है, तो जितने बिजनेस हब थे या जहाँ पर व्यापार मिलने की संभावना थी वहां पर तो हॉलमार्किंग सेंटर खुल चुके हैं। जिन जगहों पर नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वहां पर हमें इंटरनली आश्वस्त किया गया है कि सरकार हमें वहां सेंटर चालू करने के लिए सब्सिडी देगी और शायद इसकी घोषणा आने वाले 2-4 दिनों में हो जाएगी कि सरकार हमें वहां पर कितनी सब्सिडी दे रही है। यदि हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छी खासी सब्सिडी मिलेगी और ऐसी सब्सिडी आती है तो जहां पर सेंटर नहीं है वहां पर भी सेंटर बहुत ही जल्द खुल जाएंगे, डेढ़ और 2 साल का समय नहीं लगेगा। तो सरकार की ओर से अगर सपोर्ट मिलेगा तो जिन शहरों में हॉलमार्किंग सेंटर्स नहीं है वहां भी सेंटर्स जल्द लग पाएंगे, 1.5-2 साल का समय नहीं लगेगा, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उदय जी ने बताई है। लेकिन एक आउटलुक सोने के प्राइसेस पर भी अब लेंगे, क्योंकि यूएस फेड की जो मीटिंग है उस पर नजर टिकी हुई है, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम रहेगा वो देखना होगा। हालांकि हमने देखा है कि गोल्ड ETF की बाइंग में कमी देखने को मिली है और महंगाई की वजह से जो हेजिंग है वो भी कम हुई है। सुनील जी, हमेशा से आप प्राइसेस पर भी एक आउटलुक देते हैं गोल्ड के, तो ये बताइए यूएस फेड की मीट, एक्सपेक्टेड आउटकम और इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? जी दीपाली, मुझे लगता है आज का मीटिंग थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि मिक्स्ड रिस्पांस है। अभी हम देखते हैं तो जो स्टिमुलस पैकेज है उसके ऊपर भी एक कमेंट आएगा, उसके अलावा फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यूएस को लेके कैसे हैं वो भी एक समझ में आएगा। इन्फ्लेशनरी नंबर्स अभी भी हाई हैं और इवन फेड जो रेट्स हैं वो भी 0 to 0.25% के रेट में है, तो मुझे लगता है क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में अच्छी खासी अवेलेबल है तो फेड की तरफ से जो असेट परचेज का जो स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ा स्लोडाउन देखने को मिल सकता है और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में धीमे धीमे एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेट में भी जो फेड का रेट है उसमें भी एक इजाफा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है और वो एंटिसिपेशन भी है मार्केट में, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस पे हमने थोड़ा बहुत दबाव बनते हुए देखा है। इवन डॉलर इंडेक्स भी अभी 90.5 के रेंज में अभी ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर हम देखते हैं यूएस डेटा के फ्रंट पे भी
थोड़ी बहुत डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है, क्योंकि कोर रिटेल सेल्स डेटा थोड़ा एक्सपेक्टेड नंबर से बेटर आया था, इन्फ्लेशन हायर साइड है, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि ओवरऑल मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहेगा. तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की नजर जो है आज के FOMC मीट पे रहेगी. मेरे हिसाब से थोड़ा गोल्ड में सेलिंग प्रेशर देखने को आज मिल सकता है. कल भी हमने देखा था तकरीबन $1,850 का कॉमेक्स पे डॉलर टर्म में रेट टूट के फिर से थोड़ा बहुत रिकवरी हमने देखा है. आज के लिए अगर कोई रणनीति बनानी है करंट फंडामेंटल्स को लेके, तो मुझे लगता है कि 48,550 के रेंज में एक सेल बनता है, 48,750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 48,100 का टारगेट इंट्राडे में किया जा सकता है. मुझे हॉलमार्किंग की तरफ एक और सवाल है मेरा. सुरेंद्र जी, हम जानते हैं कि कुंदन और पोलकी ज्वेलरी यहाँ पर हॉलमार्किंग से एग्जेम्प्टेड है, तो कंज्यूमर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट खबर है कि अगर आप कुंदन और पोलकी खरीद रहे हैं तो उसमें आप हॉलमार्किंग मत ढूंढिए. लेकिन जहां तक जो हेरिटेज ज्वेलरी है, आर्टिफैक्ट्स हैं, टेम्पल ज्वेलरी है, बहुत सारा सोना जो एनी केस भारत जैसे कहा जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, पहला शायद सबसे बड़ा होर्डर है जहां तक रिटेल बाजार की सवाल आता है, तो इन सब ज्वेलरीज पे भी, इन आर्टिफैक्ट्स भी कोई क्लैरिटी आती हुई नजर आई है? जी बिल्कुल, इन सब पे भी हॉलमार्किंग कंपलसरी है. और ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हो, ऐसी कोई भी ज्वेलरी हो जो कुंदन, जड़ाऊ और पोलकी ना हो, वो सभी ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग होगी. फिर चाहे आप पुरानी ज्वेलरी ज्वेलर खरीदे, लेकिन यदि वो उसको बेचे तो उसे हॉलमार्किंग कराकर ही बेचना पड़ेगा. फिर चाहे वो एंटीक ज्वेलरी हो या हेरिटेज ज्वेलरी हो या किसी भी प्रकार की ज्वेलरी हो, सिर्फ ये तीन कैटेगरी की ज्वेलरी को ही सरकार ने एग्जेम्प्ट करने का आश्वासन दिया है. और इसका हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में इसका इसके इसके जो सारे प्रावधान जो कल हमारी डिस्कशन हुई है वो सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आ जाए. तो जो डिसीजंस ले गए हैं उस रिलेटेड नोटिफिकेशंस इन डिटेल अगले 2-3 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए यहाँ पर एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है. शुक्रिया सुरेंद्र जी, उदय जी, आप दोनों का ही हॉलमार्किंग से जुड़े तमाम पहलुओं को हमारे व्यूअर्स को, ज्वेलर्स को समझाने के लिए. एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो क्रूड बेस मेटल्स पर करेंगे फोकस, साथ ही कमोडिटीज पर मिलेंगे स्ट्रैटेजीज. जल्द वापस आते हैं. Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.
Asim, you can hear me, right? I can hear you. Okay, perfect. और सरकार की नजर क्लियरली यहां पर दालों के भावों पर है। स्टॉक घोषित करने के निर्देश के बाद अब सरकार ने विदेश से दालों के आयात के कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए हैं। इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं असीम मनचंदा। असीम नमस्कार। बाजार से ऐसी काफी यू नो बातें हैं कि चने के भाव स्पेशली यहां पर एमएसपी के आसपास या उसके नीचे हैं, लेकिन सरकार की जिस तरह की पैनी नजर यहां पर दालों के भावों पर है, सभी दालों पर, अब लेटेस्ट यहां पर क्या है और सरकार क्या करने की इच्छा में है? जी सही कहा आपने, दाल की कीमतें जो है पिछले 2 से 3 महीने से लगातार जो है बढ़ रही थी और सरकार जो है इस बार अपना बफर स्टॉक जो है वो भी नहीं बना पाई है। तो सरकार ने सभी व्यापारियों को कहा था कि आप अपने दाल का स्टॉक जो है वो घोषित कीजिए। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, करीबन जो 4,200 से ज्यादा व्यापारी और मिलों ने अपना स्टॉक जो है वो घोषित किया और उन्होंने 15 लाख टन का दाल का स्टॉक होने की जानकारी जो है सरकार को दी है। इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि बाहर से आयात जो है वो भी किया जाए। तो सरकार ने 2 देशों के साथ सीधा एमओयू जो है वो किया, इसमें मलावी है और इसमें म्यांमार के साथ सरकार ने करार ऑलरेडी अगले 5 साल के लिए दाल के लिए जो है वो कर लिया है। जो मलावी है वहां से 50,000 टन तूर दाल जो है वो लाई जाएगी, जो कि म्यांमार से हर साल जो है 2.5 लाख टन उड़द दाल और 1 लाख टन तूर दाल का कॉन्ट्रैक्ट जो है सरकार ने ऑलरेडी जो है वो कर लिया। तो सरकार की पूरी यही कोशिश है कि दाल के दाम जो है वो बढ़ने ना दिए जाए और दाल के दामों को काबू में जो है रखा जाए। तो इसका असर जो है आपको आने वाले दिनों में दिखाई जो है वो देगा, दाल के दाम आपको कम होते हुए दिखाई जो पड़ेगा। असीम, जो ये करार है ये सरकार करेगी या फिर निजी व्यापारी इसे कर पाएंगे? देखिए, ये सरकार ने जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया है, दोनों देशों के साथ एमओयू जो है वो साइन जो है ऑलरेडी सरकार ने जो है कर लिया और कैबिनेट ने भी इसको हरी झंडी जो है वो दे दी है। लेकिन ये जो इम्पोर्ट जो होगा वो प्राइवेट ट्रेडर्स के जरिए जो है वो करेगा, सरकार इसकी छूट जो है प्राइवेट ट्रेडर्स को देगी कि वो आप दोनों देशों से आप इम्पोर्ट जो है वहां से दालों का कर सकते हैं। असीम बहुत शुक्रिया साथ में वो खबर लेने के लिए। तो क्लियरली कुछ बहुत प्रेशर हम यहाँ पर शायद पल्सेस में आता हुआ देखेंगे। चने के भावों में लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर गिरावट है ही। सुनील, आप कैसे देखते हैं इस खबर को और कितना असर इसका प्राइसेस पर? जी, मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी ये न्यूज को डिस्काउंट कर चुके हैं। इनफैक्ट फंडामेंटली हम देखते हैं तो सोइंग रिपोर्ट जो है इस बार का वो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन से हायर है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, तो इवन उसका भी थोड़ा असर जो है प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिलेगा। ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है कि 5,000 का रेंज एक सस्टेनेबल लेवल रहेगा, जो कि एमएसपी से थोड़ा कम ही है बट वहां पे सस्टेन कर सकता है। 4,500 या 4,400 का लेवल जैसे हमने थोड़े महीने पहले देखा था वैसा सिनारियो मुझे नहीं लग रहा है। तो अराउंड 5,000 के रेंज में मुझे लगता है चने के भाव करंट फंडामेंटल के हिसाब से सस्टेन हो जाने चाहिए। ऑलराइट, फोकस अब यहां पर मेटल्स की तरफ करेंगे क्योंकि चीन की तरफ से जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक के रिजर्व्स यहां पर दे सकते हैं डाउनस्ट्रीम कंपनीज को। इस महीने के अंत से ही ये काम शुरू हो जाएगा, जिसका असर हमने कॉपर पे आते हुए देखा है। जय, कैसे देखते हैं आप 800 के लेवल से टूटता हुआ सीधा 715 के स्तर पर? जी मनीषा, मुझे लगता है इसका शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर रहेगा प्राइसेस पे, बट अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ब्रॉडली डिमांड साइड है वो आगे चल के पॉजिटिव रहने के ही आसार है। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव स्टेप है चाइना की तरफ से कि प्राइस में ओवर हीटिंग को रोकने के लिए वो स्टेट रिजर्व से यहाँ पे सप्लाई मेंटेन करना चाह रहे हैं।
तो ये एक हेल्दी करेक्शन रहेगा मेरे हिसाब से। मुझे लगता है बिल्कुल शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा प्रेशर जरूर है, प्राइसेस हो सकता है 700 या उसके नीचे भी आ जाए एमसीएक्स प्राइसेस पे, बट मीडियम टर्म आउटलुक रखें तो थोड़ा सा करेक्शन जरूरी भी था अगर ओवरऑल यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी प्राइसेस में देखने को मिले तो। Sure. मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जय, क्रूड में आप क्या देखते हैं, क्योंकि $75 के ऑलमोस्ट करीब अब यहाँ पर हैं, 5300 के ऊपर स्तर आते हुए नजर आए हैं, यहाँ से अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? मनीषा देखिए, अभी तक यहाँ पे डिमांड आउटपेस कर रहा है सप्लाई को। हम लोगों ने 2021 में ही देखा है ऑलमोस्ट 6 मिलियन बैरल्स का यहाँ पे डिमांड हायर है कम्पेयर टू लास्ट ईयर। आगे चल के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे यहाँ पे जून जुलाई में, अगर ओपेक की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ता है और ईरान के भी अगर यहाँ पे सप्लाई मार्केट में हिट करता है। मुझे लगता है अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बना रहना चाहिए अराउंड 54-54.20 तक के लिए। किसी को अगर मीडियम टर्म पोजीशन बनाना है तो आई थिंक करेंट लेवल पे एडवाइजेबल नहीं होगा, थोड़ा सा वेट करें 5100-5110 के लेवल्स का, वहाँ पे एंट्री करना मेरे हिसाब से ज्यादा सही स्ट्रैटेजी रहेगी। ऑलराइट, तो ये व्यूज हैं आप बाकी के कमोडिटीज के लिए भी, लेकिन बहुत शुक्रिया इसी के साथ आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, आगे लेके आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।